थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मेरी सबसे प्रार्थना है भले नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। इधर इधर से मेरे साथियों से आग्रह है, आप यहां सुनाई देता है मेरी बात, सुनाई देती है? जरा प्रबंधक उस तरफ देखे भाई, जगह नहीं है तो कृपा करके आप कहीं पर भी नीचे बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 2400 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। और आज मैं, कल मुझे पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला, कल दोपहर के से आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला, मैं नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको बधाई देता हूं। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था, मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज के लिए इतना करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, संकटों के बीच भी करते हैं और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं।